नमस्कार मिथिला, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आप सभी देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज। तो आज हम आप सभी को 10 बड़ी खबरें सुनाएंगे और उसे विस्तार समझाएंगे, लेकिन फटाफट अंत से, क्योंकि आप कम समय ज्यादा खबरें सुन सके और समझ सके। लेकिन पहले नजर सुर्खियों की ओर। एनएम टॉप 10। स्पाइस जेट की फ्लाइट के दरवाजे से लीक हो रही थी, ऑक्सीजन पायलट की समझदारी से चला बड़ा हादसा। दरभंगा में परिवार के साथ जा रहे कोसी प्रोजेक्ट के कैशियर की दुर्घटना में मौत, पत्नी और बच्चे की हालत गंभीर। दरभंगा में महिला की जमकर की गई पिटाई, आम के गाछी में बेहोश मिली, ग्रामीणों ने किया डीएमसीएच में भर्ती। बाढ़ से सुरक्षित हुआ दरभंगा एयरपोर्ट, बोले संजय झा, बांध के स्लोप पर बनेगा मिथिला का आर्टवर्क। एंटी नक्सल ऑपरेशन, गया में AK-47 जैसे बड़े हथियार के साथ नक्सली गिरफ्तार, ऑपरेशन जारी। तकरी का मामला, सड़क पर गिरे दो लोगों की वाहन से कुचलकर हुई मौत। सीतामढ़ी में संदिग्ध हालात में युवक की मौत, दवा पिलाने के लिए घर से निकला था, मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। दरभंगा में डायन का आरोप लगा, महिला को पोल में बांधकर बेरहमी से पीटा, बाल काटे, वीडियो बना किया वायरल। मिथिला क्षेत्र में बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए हो रहा काम, संजय झा। यात्री कृपया ध्यान दें, अहमदाबाद दरभंगा क्लोन एक्सप्रेस इस दिन रहेगी रद्द, गाड़ियों के रूट में होगा बदलाव। अब खबर विस्तार से। फिरोज जोर चेतावनी यानी खतरे की बड़ी घंटी, एक ऐसा खतरनाक संकेत जिसे नजरअंदाज करने का परिणाम काफी भयावह है। सीधे तौर पर कहें तो यह विमान के भीतर ऑक्सीजन की कमी का एक खतरनाक संकेत है। ऑक्सीजन की यही कमी पटना से गुवाहाटी जा रहे विमान में शनिवार को उड़ान भरने से पहले आने लगी थी। गनीमत रही कि विमान ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। विमान के दरवाजे से ऑक्सीजन की लीकेज थी, पायलट ने चंद सेकंड में समझदारी दिखाते हुए विमान को रनवे पर रफ्तार भरने से पहले लौटा लिया और फिर एक बड़ा खतरा टल गया। अगर विमान ने टेक ऑफ कर लिया होता तो पटना के यात्रियों पर सांसों का बड़ा संकट तय था। ज्यादा देर तक यह कमी रहे तो ऑक्सीजन के बिना किसी की सांस रुक सकती थी। दरभंगा में दर्दनाक रोड हादसे में कोसी प्रोजेक्ट के कैशियर की मौके पर मौत हो गई, जबकि पत्नी, बेटे व परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप में जख्मी हो गए। गंभीर हालत में घायलों को स्थानीय थाने की पुलिस ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया है, सभी का वहां इलाज चल रहा है। इनमें से दो की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। दरअसल शुक्रवार की देर रात करीब 11 बजे बिशनपुर थाना क्षेत्र के डिलाही के निकट मुख्य सड़क पर रोड हादसे में केवटी में कोसी प्रोजेक्ट में कैशियर पद पर कार्यरत रविशंकर उपाध्याय उर्फ राहुल उपाध्याय की मौत हो गई। इस हादसे में राहुल उपाध्याय की पत्नी, बहन, पुत्र एवं पुत्री गंभीर रूप में जख्मी हो गए। हादसे के बाद सभी को स्थानीय थाने की पुलिस ने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया। केवट में कोसी प्रोजेक्ट के कैशियर के पद पर कार्यरत राहुल उपाध्याय दरभंगा के जाने माने पत्रकार निर्मल पांडे के दामाद थे, वह मूल रूप से छपरा के रहने वाले थे। दरभंगा गोरिहारी गांव की एक महिला के घर के गाछी का आम कुछ लोगों ने तोड़कर उसकी जमकर पिटाई की, जिससे महिला बेहोश हो गई। महिला को बेहोशी की हालत में डीएमसीएच भर्ती कराया गया, जहां उसकी इलाज चल रही है। राजू देवी, उम्र 32 वर्ष, पति बसंत कुमार सिंह जो देहरादून में मजदूरी का काम करते हैं, उनके दो बेटे हैं, दोनों भी बाहर रहते हैं। वहीं महिला घर में अकेली रहती है, वह ग्राम गोरिहारी पोस्ट गोरिहारी थाना बिशनपुर जिला दरभंगा की रहने वाली है। उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की, महिला को बेहोशी की हालत में डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। दरभंगा एयरपोर्ट एवं एयरपोर्ट स्टेशन के चारों ओर निर्मित रिंग बांध पर जल संसाधन विभाग द्वारा PCC सड़क का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है। इस कार्य से दरभंगा एयरपोर्ट और एयरपोर्ट स्टेशन को बाढ़ तथा बरसाती जल जमाव से सुरक्षित हो गया है। परिसर में जल जमाव की स्थिति में उसकी निकासी के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा एंटी फ्लड भी निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट के मुख्य प्रवेश द्वार के पास बांध के स्लोप पर मिथिला पेंटिंग आर्टवर्क से सौंदर्यकरण कराया जा रहा है। नमस्कार मिथिला, अब तक इतना ही। ऐसे ही नई खबर, नए समाचार के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपने हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो हमारे सब पेज को फॉलो करें। नीचे हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया है। हमें दीजिए जाने की इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए नमस्कार मिथिला न्यूज़। नमस्कार मिथिला।